अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुनीबीना इलैही वत्तकूहु व अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया कायनात के अंदर कोई भी चीज़ बेकार और बेमकसद पैदा नहीं की। तो इस दुनिया कायनात के अंदर इंसान जिस मकसद के लिए भेजा गया है, उसका तज़किरा भी कलाम पाक के अंदर मौजूद है। फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो सामने किराम, आज आप अहबाब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि आज मुसलमानों की मस्जिदें, जिनकी वजह से मुसलमानों ने उरूज और तरक्कियों की मंजिलों को तय करना था, आज वो मस्जिदें हमें वीरान नज़र आती हैं, आज वो मस्जिदें हमें सुनसान नज़र आती हैं। नौजवान गलियों कोचों की जीनत बने हुए हैं और बूढ़े बुज़ुर्ग मस्जिदों में नज़र आते हैं। सामीन किराम, नमाज की शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नम के अंदर जलने वाले लोग, उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम के अंदर डाल दिया। वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। सामीन किराम, तवज्जो तलब बात है कि आज हमें नमाज की तरफ रागिब होना होगा, क्योंकि कब्र के अंदर, हशर के अंदर हमारी कामयाबी इसी के अंदर पिन्हा है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा सुइला सुइला अनिस सलात, कि सबसे पहले क्यामत वाले दिन जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा वह नमाज है। सामईन किराम, अगर हम नमाज के पर्चे में फेल हो गए तो बाकी हमारे आमाल क्या क्या बनेगा। सोचने वाली बात है, हमें नमाज की तरफ रागब होने की जरूरत है। इसी तरह नमाज आंखों का नूर, दिल का सुरूर है और चेहरे के लिए पुरनूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु आईनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसी तरह एक फरमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज तो मोमिन की मेराज है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान बैठे हुए थे। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ऐ मेरे प्यारे सहाबाए किराम, मुझे बतलाएं, अगर किसी के घर के सामने से कोई नहर गुजरती हो और उसमें वो बंदा दिन में 5 दफा नहाए, गुसल करे, क्या उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बोल उठे अल्लाह के रसूल, ऐसा कैसे मुमकिन है एक इंसान 5 मरतबा नहाए गुसल करे और उसके जिस्म के ऊपर मैल कुचैल बाकी रह जाए। नबी करीम सल्लम ने फरमाया ये उस बंदे की मिसाल है जो बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो उसके जिस्म के ऊपर किसी किस्म की कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहती। सामने के राम, नमाज पढ़ो कबल इसके के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज की तरफ रागब हो जाए, नमाज 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 की तरफ आ जाए। आज हमारी दुनिया और आखरत की कामयाबी अगर किसी चीज में है तो वो नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए कि लोग भी रशक करें, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसा चलन चलो के जमाना मिसाल दे। वस्सलाम। जिंदगी शऊर से अल हिकमा इंटरनेशनल।